ठीक है, ये देखिए ये पोहा लगना स्टार्ट हो गया। फिर चेक कीजिए भैया क्या उसल कचौरी बना रहे हो। ये देखिए भैया उसल कचौरी स्टार्ट हो गई, ये क्रश कर देगी हमारी कचौरी को और इसके अंदर आ गई उसल। बटला उसल होती भैया? अच्छा सारे मिक्सअप है, क्या बात है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग आ चुके थे श्री गणेश कचौरी कॉर्नर पे, जो कि लोकेटेड है नियर बाय राजमोहल्ला। सो आप लोग देख सकते हो ये रोड जो है हमारा, ये जा रहा है गंगाल बस स्टैंड के लिए। और अगर आप लोग आ रहे हो राजवाड़ा से, तो बैक साइड में यहाँ पर मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ जो कि निकलेगा डायरेक्टली राजमोहल्ला। ये राजवाड़ा से रोड आ रहा है और ये आपका जा रहा है बड़ा गणपति पे। सो बहुत ही प्यारी प्लेस, और आप लोग भीड़ से समझ सकते हो भैया की यहाँ पर कचौरी समोसे और लाइक आपका पोहा हो गया, उसल पोहा हो गया, बहुत फेमस है। तो चलते हैं अंदर एंड देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। भैया हेलो भैया, आपका नाम? नरेश प्रजापत। अच्छा नरेश भैया, कब से अपनी शॉप यहाँ पे? अपने 45 वर्षों से। 45 साल हो गए? हाँ जी। और भैया टाइमिंग क्या होता है हमारी शॉप का? टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। और क्या क्या वैरायटी होती है हमारे पास में? वैरायटी अपने उसल पोहे, कचौरी, समोसा, आलू बड़ा, ब्रेड बड़ा, खमण, पोहे, जलेबी। अच्छा, और भैया एक बार लोकेशन बताइए क्या दुकान की? दुकान श्री गणेश कचौरी राजमोहल्ला। अच्छा राजमोहल्ले पे आएगी। हाँ। सो देखिए चलिए भैया हम लोग लगवाते हैं भैया से कचौरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कटिंग चल रही है हमारे प्याज की। भैया प्रिपरेशन होती है ना पहले से ही? प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो गई पहले से ही। ये आ गई हमारी कचौरी यहाँ पे, साथ में ब्रेड बड़ा होता है, समोसा है, और ये यहाँ पे हमारी समोसे की मैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अंकल कितना टाइम और लगेगा समोसे में? अभी 1 घंटा समथिंग और लगेगा। और ये देखिए ये पोहा लगना स्टार्ट हो गया। भैया उसल वाले हमारे पास समोसे मिलते क्या? अच्छा ठीक है, ये देखिए ये पोहा लगना स्टार्ट हो गया। फिर चेक कीजिए भैया क्या। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा था कंटिन्यूशन में भीड़ चेक करेंगे आप। ये देखिए अच्छा उसल कचौरी बना रहे हो। ये देखिए भैया उसल कचौरी स्टार्ट हो गई, ये क्रश कर देगी हमारी कचौरी को और इसके अंदर आ गई उसल। बटला उसल होती भैया? अच्छा सारे मिक्सअप है, क्या बात है। और ये देखिए सर्व हो गई। तो भैया से हम भी लगवाते हैं, भैया हमारी भी उसल वाली कचौरी लगाई है। एक कचौरी और आम दो, उसल में दो आम दो। तो देखिए ये आमी कचौरी, ये मिक्सअप कर दी बहन, अगेन क्रश हो गई हमारी। ये देखिए चेक कीजिए, ये आ गया उसल में और इसके ऊपर नमकीन तीखी नुक्ती, और ये क्या बात है। अगेन बहुत तेज स्पीड है भैया की। हाँ थैंक यू भैया। तो देखिए आ गई हमारी उसल कचौरी, फाइनली हमारे यहाँ पे कचौरी ऐसी थी। और कचौरी के अंदर देखिए भैया ने यहाँ पे थोड़ा नमकीन डाल दिया था उसके अंदर, उसके बाद में यहाँ पे तीखी नुकती, सेव और प्याज था। प्याज के साथ में हमको यहाँ पे ना थोड़ा सा एक मसाला दिया गया था जो कि जीरावन होता है, इंदौर का बहुत फेमस मसाला है। और साथ में यहाँ पे कट ऑफ नींबू भी है। तो टेस्ट करते हैं। और इनकी यहाँ पर जो उसल है, उसल में बड़ी खास बात है कि यहाँ पे मटर की उसल भी होती है, जो मोट होते हैं उसकी भी उसल होती है, और इसके अंदर थोड़े से अलग इंग्रीडियंट भी यूज करे होते हैं और मसाले वाली उसल होने वाली है। तो देखिए इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ सबसे पहले नींबू। तो यहाँ पर हम हमारी कचौरी को ढूंढते हैं। ये देखिए हमारी कचौरी और ये फर्स्ट बाइट, जैसे कि भैया ने क्रश करी थी, इसका फर्स्ट बाइट बहुत बड़ा होने वाला है हमारा। जैसा कि मैं बोलूँ कचौरी आपने हर जगह खाई होगी, ठीक है। इसका मेन वैल्यू ये है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपने कचौरी तो सराफा में भी खाई होगी, बट यहाँ की कचौरी की दाल की बात और क्वालिटी की बात बहुत ही अलग है, ठीक है। और उसल की मैं बात करूँ ना तो थोड़ी तीखेपन पे हमारी उसल होने वाली है। और टेस्ट में मैं इसको ना मतलब आपको क्लियर नहीं कर सकता कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, जब तक आप लोग विजिट नहीं करोगे तब तक आप कन्फर्म नहीं कर पाओगे इसका टेस्ट कैसा है। तो जल्दी जल्दी आइए ज्वाइन कीजिए, 15 रुपीज़ प्राइस होने वाला है और उसल कचौरी का हमारा 25 रुपीज़ प्राइस होने वाला है। तो जल्दी जल्दी आओ ज्वाइन करो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।